सो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज अर्जनम बैक विद अनदर वीडियो। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। तो गाइस, अगर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, अपने लैपटॉप, अपने मोबाइल फोन, एंड्रॉइड फोन, स्मार्टफोन, कोई भी आपका गैजेट है उसके स्क्रीन के अगर आप देख रहे हो, तो दोस्तों मैंने एक दिन पहले ये पोस्ट क्रिएट किया था अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी टैब में। यू कैन सी गाइस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जो इस साल और अगले साल जो अपकमिंग वैकेंसीज आने वाली हैं फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड एएसआई स्टेनोग्राफर, तो उसके बारे में गाइस मुझे अपडेट मिला है थ्रू हमारे सोर्स के थ्रू। तो गाइस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अपडेट क्या मिला दोस्तों। ये पूरा का पूरा दोस्तों आप देख सकते हो, ये मैंने पोस्ट क्रिएट की थी, आप देख रहे हो यहाँ पे कि बीएसएफ जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सीमा सुरक्षा बल, उसमें आने वाली भर्तियाँ कौन कौन सी होंगी 2020-21 साल में। ऑल इंडिया से इससे मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर पाएंगे। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो की वैकेंसी के बारे में हमें अपडेट पता चला है। तो गाइस ये वीडियो इन दोनों पोजीशंस के बारे में होने वाली है, एचसीएम और एएसआई स्टेनोग्राफर। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो इन्फॉर्मेशन है गाइस हमें हमारे लाइक हेडक्वार्टर से पता चलती है, हमारे जो सोर्सेस है, हमारे जो कुछ काम करते हैं, जो कुछ उस कुछ बीएसएफ की कंटोनमेंट में रहते हैं, जो इनके कंटोनमेंट होते हैं, जो कि जिनको कैंप बोलते हैं, वहाँ पे रहते हैं कुछ मेरे दोस्त वगैरह, मेरे यार दोस्त जिगरी कुछ जो सर्विस कर रहे हैं, तो उनसे जो हमें इन्फॉर्मेशन पता चलती है उसके बिहाफ पे हमें वीडियो बनाते हैं एंड आपके सामने पब्लिश करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की जो रिक्रूटमेंट है दोस्तों, वो आपके इस साल के एंड में निकल जाएगी। गाइस इस साल के एंड में वैकेंसीज निकल जाएंगी और इस साल एक्सपेक्टेड है कि जो वैकेंसीज हैं थोड़ी बढ़ चढ़ के आएंगी गाइस, ठीक है। एक्सपेक्टेड दोस्तों ये है कि इस बार एचसीएम की जो वैकेंसीज है लगभग 800 प्लस आने वाली है, 800 प्लस आने वाली है, ठीक है। एंड बात रही दोस्तों आपकी एएसआई स्टेनोग्राफर की, तो एएसआई स्टेनोग्राफर दोस्तों ये जो ये है इसकी वैकेंसी लगभग 130 प्लस आएंगी एज पर आर सोर्स, जो हमें उन्होंने कमिटमेंट किया है, जो उन्होंने हमें कमिट किया है 130 प्लस वैकेंसीज आएंगी। हलचल हो रही है डिपार्टमेंट्स में, वैकेंसीज निकालने के लिए काफ़ी हलचल है, काफ़ी बात चल रही है अभी। और जो भर्ती दोस्तों होगी, ये सुनने में ये आ रहा है कि ये आउटसोर्स के थ्रू होगी, आउटसोर्स के थ्रू यानी कि टेंडर दिया जाएगा किसी कंपनी को, वो इन दोनों भर्तियों का पूरा लेखा जोखा करवाएंगे, ठीक है। एग्जाम से लेके आपका फॉर्म भरने से लेके एग्जाम के ज्वाइनिंग तक का सारा खर्चा आउटसोर्स ही होगा दोस्तों, ठीक है। ये एक और हमें अपडेट पता चली है। अब सेकेंड थिंग हम बात करते हैं, एजुकेशन क्या होने वाली है। मैं बात करूँ अगर हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्टर की एजुकेशन की, तो सिंपली 12th पास होनी चाहिए आप किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट बॉडी से, कितनी भी परसेंटेज हो, चाहे 33% वाले भी क्यों ना हो, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। थर्ड इज ये आपका एज क्राइटेरिया की मैं बात करूँ कि कितनी एज रहने वाली है, तो एज दोस्तों इसमें रहेगी 18 से 25 साल फॉर जनरल कोटा के लिए, 25 साल, 5 साल की छूट मिलेगी एससी एसटी वालों को और 3 साल की छूट मिलेगी ओबीसी वालों को। गाइस समझ आ गया आपको, एज क्राइटेरिया समझ आ गया कि मिनिमम 18 साल के आप होने चाहिए एंड मैक्सिमम 25 साल के होने चाहिए, ठीक है। 5 साल की छूट मिलेगी अगर आप एस सी एस टी हो और 3 साल की छूट मिल जाएगी उम्र में अगर आप ओबीसी हो। ओके गाइस, ये थी आपकी हेड कांस्टेबल की एलिजिबिलिटीज, आपकी एजुकेशन क्या होगी, एज क्या रहेगी और क्या कौन कौन अप्लाई कर सकता है। ओके गाइस, तो ये था इसका एलिजिबिलिटी। नेक्स्ट ही मैं बात करता हूँ। तो गाइस ये थी एलिजिबिलिटी फॉर हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के लिए। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ एएसआई स्टेनोग्राफर के लिए, एएसआई स्टेनोग्राफर के लिए क्या एलिजिबिलिटी, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशंस होने वाली है। तो गाइस सबसे पहले बता दूं, जो एजुकेशन होने वाली है वो रहेगी सिंपली 12th पास एज पर हेड कांस्टेबल की। एंड सेकेंड थिंग आपकी जो एज रहने वाली है, एज को मैं आपको बता देता हूँ गाइस कि आपकी एज कितनी होगी फॉर एएसआई स्टेनोग्राफर। आपकी एज होने वाली है 18 to 27। ओके गाइस 18 to 27 ईयर ऑफ एज आपकी होनी चाहिए, 5 साल की छूट मिल जाएगी एससी एसटी को और 3 साल की आपकी रिजर्वेशन मिल जाएगी ओबीसी वालों को। ओके गाइस, और लाइक इसमें भी कोई परसेंटेज का मैटर नहीं है, दोनों ही पोजीशंस को, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एंड एएसआई स्टेनोग्राफर को, दोनों ही मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स ऑल ओवर द इंडिया अप्लाई कर सकते हैं। आप इंडिया के नागरिक होने चाहिए, ठीक है, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया होनी चाहिए या फिर आप सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान। ओके, तो गाइस जो पोजीशंस हैं हेड कांस्टेबल एंड एएसआई स्टेनोग्राफर, हेड कांस्टेबल तो गाइस इस साल के एंड तक निकल जाएगा एंड काफी ह्यूज वैकेंसीज दोस्तों मैंने आपको बता दिया, मोर देन 800 प्लस वैकेंसीज निकलनी है हेड कांस्टेबल के लिए एंड एएसआई स्टेनो की 130 वैकेंसीज निकलनी है। हेड कांस्टेबल की वैकेंसी इस साल के एंड तक निकल सकती है कभी भी, महीने का कोई कंफर्मेशन नहीं है लेकिन इस साल के एंड तक निकल जाएगी। एंड सेकंड जो एएसआई स्टेनोग्राफर है वो 2021 में वैकेंसीज निकलनी है एज पर आर सोर्स, हमारे जो सोर्सेज हमारे लिंकेज हैं उनके अकॉर्डिंग हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है तो मैंने डिलीवर कर दिया और मेरे को सही लगे, वीडियो बनाना सही रहेगा आपके साथ में शेयर करूं,
बिकॉज ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं बिल्कुल ट्रूथ एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे शेयर करता हूँ। तो गाइस ये थी वीडियो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में आने वाली भर्तियों का, जिसे ऑल इंडिया से मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं गाइस। तो मैंने हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड एएसएस सोनोग्राफर दोनों ही वैकेंसीज की आपके साथ एलिजिबिलिटी एंड अदर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस का जो भी है ब्यूरो आपके साथ मैंने बता दी है। और कोई डाउट अगर आपके मन में तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और आज शाम को मैं 8 बजे लाइव आऊंगा, तो प्लीज लाइव आइएगा मेरे साथ। और सभी जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि प्लीज लाइव आएं, और अपने कोई भी डाउट हो आपके रिगार्डिंग एनी जॉब रिगार्डिंग एनी सिलेबस कोई भी आपके मन में डाउट आ रहा होगा तो प्लीज अपना जो डाउट है उसको मेरे से क्लियर आउट कर लीजिएगा गाइस, ठीक है। तो मैंने पोस्ट क्रिएट दोस्तों की थी, अगर आपको पता हो तो मैं आपको थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ गाइस, ठीक है। थोड़ा बैक कर देता हूँ गाइस, जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि मैं आज लाइव आऊंगा, स्क्रीन पे आप गाइस देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने पोस्ट क्रिएट कर रखी है। ये देखिए नीचे कर देता हूँ गाइस मैं थोड़ा सा लाइक, तो जस्ट हैविंग अ लिटिल बिट ऑफ, तो गाइस ये देखिए ये मैंने आज मैंने पोस्ट क्रिएट की है, अगर आप इसे देख सकते हैं तो बेटर रहेगा गाइस, ठीक है। तो गाइस ये देखें आप स्क्रीन पे अपने, मैंने पोस्ट क्रिएट की थी रात को ही कि मैं लाइव आ रहा हूँ आज, टुडे लाइव एट 8 PM, डोंट फॉरगेट टू कम, जय हिंद एंड जय भारत गाइस, ठीक है। तो आज रात को 8 बजे मैं लाइव आऊंगा, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर जितने मेरे व्यूअर्स हैं जो मेरे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या फिर जो मेरे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स हैं उनसे मैं लाइक अपील करूंगा कि अपने कोई भी डाउट्स हो कोई भी एनी रिगार्डिंग एनी जॉब अपडेट रिगार्डिंग एनी रिलेटेड टू एनी स्टडी रिलेटेड, तो आप प्लीज लाइव आए मुझसे आज बात कीजिएगा गाइस, ठीक है। तो मैंने पहले ही 14 घंटे पहले गाइस आप टाइमिंग देख सकते हैं 14 घंटे पहले ही मैंने यहाँ पे पोस्ट क्रिएट कर दी थी। तो गाइस ये था वीडियो BSF हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्री एएसएसटीनो का 2020 एंड 21 में अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में, इसका मैंने एलिजिबिलिटी एंड आपका अदर डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब मत भूलना। जय हिंद एंड जय भारत गाइस।